सो व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम बैक टू ऑटो कार गैराज। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति की वन ऑफ द प्रीमियम सेडान कार के बारे में बात, जिसका नाम है मारुति सियास। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये फिफ्थ जनरेशन मॉडल है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी की से। की के अंदर हमको तीन बटन देखने को मिलते हैं, लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉक करने का ऑप्शन। पीछे हमको कोई भी लोगो नहीं मिलता है, हमको फ्रंट में ही मिलता है की के अंदर मारुति सुजुकी का लोगो। स्टार्ट करते हैं इसकी लाइटों से। तो लाइटों के अंदर मिलते हैं हमको प्रोजेक्टर, LED बीम लैम्प्स, DRL एंड टर्न इंडिकेटर्स, कुछ क्रोम फिनिश के अंदर। नीचे मिलते हैं हमको फॉग लैम्प्स LED के अंदर, कुछ सिल्वर फिनिश के अंदर। बीच में बात कर लें ग्रिल की, तो ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर हमको ग्रिल मिलती है। बीच में मिलता है बड़ा सा मारुति सुजुकी का लोगो एंड ग्रिल मिलती है हमको। ऊपर भी क्रोम के इंसर्ट्स मिलते हैं, नीचे भी इंसर्ट्स मिलते हैं। नीचे मिलते हैं हमको एयर डम, जहां से इंजन लेता है अपनी वेंटिलेशन, एंड काफी शार्प एंड अट्रैक्टिव लुक लगती है इस कार के फ्रंट से। सियास के डायमेंशंस के बारे में बात कर लें गाइस, तो इसके अंदर लेंथ मिलती है हमको 4490 mm की, विड्थ मिलती है इसके अंदर 1730 mm की, एंड हाइट मिलती है 1485 mm की। गुडियर कंपनीज के टायर प्रोवाइड करती है मारुति सुजुकी इस कार के अंदर, जो कि ट्यूबलेस टायर हैं, जिनकी प्रोफाइल मिलती है हमको 185/65R15 inches के सिल्वर अलॉय व्हील्स के साथ। अब बात कर ले ORVM पे, तो हमको देखने को मिलता है टर्न इंडिकेटर, व्हाइट कलर का ORVM मिलता है। चारों क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं, बोथ साइड हमको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, क्रोम डोर गार्निश देखने को नहीं मिलती है। 43 liters का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है इस कार के अंदर। एंड साइड से ओवरऑल यही था। बात कर लेते हैं इसकी पीछे से रियर लुक के बारे में, एंड तो कुछ ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ मैं आपको इस कार की वन फ्रेम के अंदर। सो काफ़ी बढ़िया लुक लगती है इस कार की पीछे से। जो इसकी कार की लुक को इन्हांस कर रहे हैं रियर से, वो हैं इसके रियर टेल लैम्प्स, काफ़ी बढ़िया एंड स्पोर्टी लुक के अंदर मिलते हैं। यहाँ मिलते हैं हमको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, बीच में मारुति सुजुकी का लोगो, लेफ्ट साइड हमको सियास की बैजिंग मिलती है, मॉडल की बैजिंग नहीं मिलती हमको इस कार के अंदर। एंड यहाँ मिलती है हमको रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट, नंबर प्लेट बल्ब हमको हैलोजन के अंदर ही मिलते हैं। नीचे मिलते हैं हमको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, एंड उनके नीचे मिलते हैं हमको रिफ्लेक्टर्स, कुछ सिल्वर फिनिश के अंदर। व्हील बेस के बारे में मैं बात करें तो इसके अंदर 2650 mm का व्हील बेस मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इसके अंदर 170 mm की। कुछ पास से कार के बारे में बात करें तो यहाँ मिलता है हमको यहाँ पे मिलती है हमको नेक्सा की बैजिंग, हाई स्टॉप माउंट लैंप, डिफॉगर, एंड सेडान कार्स के अंदर हमको रियर वाइपर देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस, जब बात कर लेते हैं इसी आज की रियर स्पेस के बारे में बात, तो मैं आपको एक बार पैसेंजर डोर खोल के दिखा देता हूँ। तो कुछ ब्लैक एंड पीच कलर के अंदर वो मिलते हैं हमको ओवरऑल पैसेंजर डोर, एंड जो कि वुडन फिनिश हमको पूरे इंटीरियर के अंदर कैरी की गई है मारुति की तरफ से। सीट्स के बारे में बात करूँ तो हमको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं इस कार के अंदर क्रीम कलर के अंदर। एंड पीछे बताऊँ तो पीछे हमको मिलता है ये सनशेड, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर लगता है मेरे को। इसको आप बंद भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड तो। ये हमको वर्ना के अंदर भी मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट सेडान्स देती हैं इस फीचर को, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी बढ़िया फीचर लगता है। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी रियर स्पेस के बारे में, तो मैंने अपनी हाइट के एडजस्टेड इसकी सीट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, जो कि मेरी हाइट है 5'11". काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिलता है हमको सियास के अंदर, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है पीछे का पैसेंजर। यहाँ हमको मिलते हैं रियर AC वेंट्स, जिनको आप फ्लो जिसको आप AC फ्लो बंद भी कर सकते हैं। नीचे हमको मिलता है 12 volt का पावर सॉकेट, एंड कुछ स्पेस देखने को मिलती है इस कार के अंदर। पीछे से हमको ओवरऑल इंटीरियर कुछ ऐसा देखने को मिलता है सियास का। एंड बात कर ले रूम लाइट की, तो हमको इस तरफ मिलती है रूम लाइट एंड ग्रैब हैंडल, एंड राइट साइड भी हमको मिलती है इसी तरफ हमको रूम लाइट एंड ग्रैब हैंडल। एंड अब बात कर लेते हैं अंदर आगे से चल के, एंड आगे के इंटीरियर एंड इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात, तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं अंदर चल के, तो बोथ साइड हमको देखने को मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर, चारों क्रोम डोर हैंडल्स। सो एंड कुछ ऐसा ओवरऑल देखने को मिलता है डोर कार का ड्राइवर साइड से, चारों पावर विंडो देखने को मिलती है हमको इस कार के अंदर, बट ड्राइवर की ही मिलती है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन, को थोड़ी सी कुशनिंग मिलती है। इस बटन को प्रेस करके आप अपने ORVM फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं। अभी कार इग्निशन पे नहीं है, तो मैं आपको एक बार इग्निशन पे करके इसको मिरर फोल्ड करके दिखा दूंगा। मैनुअली सीट्स एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है इस कार के अंदर, जो कि आप मैनुअली कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से अपनी सीट एडजस्ट। एंड अब मैं आपको इसके इग्निशन करके दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर मिलता है हमको पुट स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसको आप दो बार प्रेस करेंगे तो आपकी कार इग्निशन पे हो जाएगी, जिसके अंदर हमको वेंटिलेशन मिल जाती है हमको AC से। एंड इस बटन को प्रेस करके आप मिरर्स फोल्ड कर सकते हैं, एंड इसी को प्रेस करके आप अनफोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिलते हैं हमको लाइट लेवल एडजस्ट करने का फीचर, ऊपर मिलता है हमको पुट स्टार्ट स्टॉप बटन एक क्रोम फिनिश के अंदर, क्रोम राउंड के अंदर। यहाँ पे मिलते हैं हमको क्रूज कंट्रोल, एंड यहाँ पे मिलते हैं हमको वॉल्यूम कंट्रोल, म्यूट का ऑप्शन। स्टेयरिंग बताऊँ तो कोई लेदर आप स्टेयरिंग नहीं मिलता है, एंड खाली टिल्ट देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। MID के बारे में बात करें तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव MID मिलती है इस कार के अंदर। ग्रीन कलर की लाइट मिलती है, बलेनो के अंदर हमको ग्रीन कलर की नहीं मिलती है, बलेनो के अंदर हमको ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलती है। मैनुअली आपको उसके MID एक्सेस करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमको टॉर्क, पावर, डिस्टेंस टू MPT, माइलेज, ये सब एंड मैनी मोर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बीच में हमको मिलता है क्रोम फिनिश के अंदर मारुति सुजुकी का लोगो। एंड अब बात कर लेते हैं इसके AC वेंट्स के अंदर, तो चारों AC वेंट्स के अंदर हमको ऑप्शन मिलता है कि आपको वेंटिलेशन चाहिए या नहीं चाहिए, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। बीच में मिलता है हमको हैजार्ड लैंप,
एंड यहाँ भी देखो हमको मिलती है अपनी, यहाँ पे मिलती है हमको SRS एयर बैग्स की स्टिकर, एंड कुछ ऐसा देखने को मिलता है इसका बीच का सेंटर कंसोल। यहाँ पे मिलती है हमको 10.25 इंचेस की, 10.2 इंचेस की टच टच डिस्प्ले, जिस जो कि प्रोवाइड करती है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक एंड मैनी अदर फीचर्स। टच रिस्पॉन्स बताऊँ तो ओके ओके है, बाकी टच की ब्राइटनेस एंड टच की क्वालिटी डिसेंट है। यहाँ पे नीचे मिलता है हमको ऑटोमेटिक AC, एंड ये सबसे प्रीमियम बनाते हैं इस कार के अंदर। इसको आप प्रेस करेंगे तो ऐसे ऊपर उठ जाएगा, यहाँ करेंगे तो बंद हो जाएगा, एंड प्रेस करेंगे तो ऐसे उठ जाता है। अंदर मिलता है हमको USB एंड ऑक्स की सॉकेट एंड एक चार्जिंग का पोर्ट, एंड उसके भी नीचे मिलते हैं हमको 2 कप होल्डर्स, बीच में हमको गेयर लीवर, 5 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स मिलता है इस कार के अंदर, एंड ये जो आर्मरेस्ट की स्पेस है ये डिसेंट मिलती है। एंड बात करें यहाँ पे तो ये मिलता है हमको मैनुअली IRVM एडजस्ट करने के लिए। सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है इस कार के अंदर, दोनों हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं हमको। यहाँ पे मिलता है हमको टिकट होल्डर, एंड हम बात करें पैसेंजर साइड तो हमको देखने को मिलता है एक मिरर। 2 एयरबैग मिलते हैं हमको इस मॉडल के अंदर, स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल देख रहे हैं आप। ये बोथ साइड मिलते हैं हमको ग्रैब हैंडल, एंड कुछ ऐसे कलर की मिलती है हमको वुडन की फिनिश। बात कर लें इसकी ग्लव बॉक्स की, तो इसके अंदर कूल ग्लव बॉक्स तो नहीं मिलता है हमको, नॉर्मल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है इस कार के अंदर। एंड बस यही था इसके इंटीरियर एंड इंटीरियर फीचर्स के बारे में। एंड अब बात करेंगे इसकी बूट स्पेस एंड इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात। सो गाइस, सियाज प्रोवाइड करती है हमको 510 लीटर का बूट स्पेस, एंड इसकी स्पेयर व्हील के बारे में बताऊँ तो 15 इंची का ही मिलता है। कॉस्ट कटिंग इसके अंदर नहीं कर रखी मारुति ने, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आज की कंपनियां जो कि हुंडई है, किया है, ये सब करती हैं कॉस्ट कटिंग टायर के अंदर, अपने स्पेयर व्हील के अंदर। बूट लैंप हमको इस कार के अंदर नहीं मिलता है, ना ही कोई ग्रैब हैंडल मिलता है हमको सेडान के अंदर अपना बूट बंद करने के लिए। तो आपको ऐसे ही और ऊपर से अपना बूट पकड़ना पड़ेगा, ना ऐसे ही मैनुअली इसको बंद करना पड़ेगा। एंड अब बात कर लेते हैं आगे चल के इसके इंजन के बारे में बात। सो गाइस, बूट ओपन करने के लिए आपको सिंपली इस बटन को प्रेस करना है, अपना बोनट ओपन करने के लिए आपको इस लीवर को खींचना है, एंड फ्यूल लिड का भी लीवर हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। एंड एक बार मैं आपको बूट खोल के ही दिखा देता हूँ। तो इस बटन प्रेस करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका बूट अपने आप ही पूरा ओपन हो जाता है। आप डायरेक्टली सामान रखे रख सकते हैं इसके बूट के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा। यही फीचर हमको वरना के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड बस यही था इसका बूट के बारे में। एंड अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड माइलेज के बारे में बात। मारुति सियाज के अंदर मिलता है खाली हमको एक एक इंजन ऑप्शन, जो कि 1.5 लीटर का पेट्रोल फोर सिलेंडर ऑप्शन, जो कि पावर जनरेट करता है 103 BHP की पावर एंड 138 Nm का टॉर्क। 5.4 मीटर की इसके अंदर हमको मिलती है टर्निंग रेडियस, एंड बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इजीली पढ़ लेना। ARAI सर्टिफाइड माइलेज इस कार की 21 KMPL की, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर के इसके 16 और 17 की आएगी। प्राइस लिस्ट मैं इस कार की एंड में डाल दूंगा। सो यही था ओवरऑल कार का रिव्यू मारुति सियाज का। वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।